अस्सलाम वालेकुम। तो हाजिर आपका भाई एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ KLCC ट्विंस टावर। तो दिखाते हैं भाई ट्विंस टावर के किस तरह दिखता है रियल में, और इंस्टाग्राम पे किस तरह दिखता है और रियल में किस तरह दिखता है। ये है भाई ट्विंस टावर। थोड़ा पीछे से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से धूप में आप बाहर नहीं निकल पाते, और मैं भी इसी वजह से बाहर नहीं निकल पाता था। तो भाई मैंने दिन में कोई आपको शूटिंग नहीं दिखाई, ना सिटी की कोई वीडियोस बनाई है, क्योंकि मैं गर्मी से बहुत ज़्यादा तंग होता हूँ, जिसकी वजह से मैंने दिन को कोई भी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अभी शाम है, तो अभी मैं आया हूँ भाई इवनिंग में शूटिंग करने। जो यहाँ का डाउन टाउन है और KLCC बिल्डिंग है, बहुत पॉपुलर। ये चेक करें, ये है भाई ट्विंस टावर। ये ट्विंस टावर है भाई। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट ठहरे हुए हैं, देखते हैं ये टूरिस्ट क्या कर रहे हैं। ये भाई पूरा ही डाउनटाउन है। इसको भाई मैंने 1998 में बनाना शुरू किया था, और 1998 के बाद 2004 में ये कंप्लीट हुआ था, और उस टाइम दुनिया का सबसे बुलंद तरीन जो ट्विंस टावर था वो यही था 2004 तक। कि ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, ये इसको यूनिक बनाता है, और इसकी वजह से ही इसका नाम है ट्विंस टावर। यहाँ पे कुछ और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, न्यू बिल्डिंग्स यहाँ पे बन रही हैं, जो कि KLCC से भी आई थिंक थोड़ी बुलंद है। ये देखें भाई, लोग तस्वीरें बना रहे हैं। चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं सिंगापुर में, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं मलेशिया में, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें सारे यहाँ ठहर के भाई तस्वीरें बनवा रहे हैं। मैं भी किसी को ढूंढता हूँ अपनी तस्वीरें बनवा लूँ भाई, यादगार कल हो ना हो, लेकिन आज तस्वीरें बनवा। चल रहे हैं भाई, तस्वीरें मस्वीरें बना ली हैं, थोड़ा अंदर शॉपिंग मॉल देखते हैं KLCC के अंदर शॉपिंग मॉल में क्या क्या है, कुछ पीते हैं और फिर जाते हैं KLC पार्क देखने। और अभी 7 बजे यहाँ पे वाटर फाउंटेन शो शुरू होगा, तो वो भी देखेंगे वहाँ दूसरे साइड से, इसके बैक साइड से। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से अंदर एंटर होने KLCC में, और इसके दूसरी तरफ जाएंगे भाई, वहाँ पे एक पार्क है KLCC, तो वो देखेंगे। थैंक यू। ये देखें, ये KLCC के इनसाइड भाई ये चीज़ देखने को आपको मिलती है। ये एक बड़ा सा इन्होंने भाई शॉपिंग मॉल बनाया हुआ है इनसाइड शॉपिंग के लिए, और फूड एरिया भी है इसमें, नीचे कुछ बच्चों के लिए पार्क टाइप का बनाया हुआ है। बट इट्स इम्प्रेसिव। कुची का एड चल रहा है भाई, कुची। खूबसूरत शॉपिंग मॉल।
और इतना बड़ा नहीं है, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर तक है ये शॉपिंग मॉल। ये देखें, चलते हैं भाई वाटर फाउंटेन देखने। इस साइड पे है KLCC पार्क। ये है भाई KLCC पार्क, यहाँ से शुरू हो जाता है KLCC पार्क हमारा। और यहाँ पे अभी रात को वाटर फाउंटेन शो होगा। ये वाटर फाउंटेन शो जो है भाई यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगा रहता है। इसी तरह इसको बंद नहीं किया जाता, ये टूरिस्ट के लिए ऐसे ही ओपन रहता है। सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक ये इसी तरह नॉर्मल चलता रहता है, तो लोग बस यहाँ आके बैठ जाते हैं, इंजॉय करते हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब भी आप लोग कुआलालंपुर आओ भाई, तो अगर आपने आउटिंग करनी है तो यहाँ पर इवनिंग में मौसम बहुत अच्छा होता है, यानी कि 4-5 बजे के बाद यहाँ पर वेदर अच्छा हो जाता है, बादल आ जाते हैं, हवाएं ठंडी चल रही होती हैं, तो इस टाइम आप लोग अगर आओ तो आपको गर्मी भी नहीं लगती और इंजॉय भी कर सकते हो। बाकी आप मेरे बालों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर गर्मी कितनी है। अभी भी देखें गर्मी इधर दबा के है, यानी कि बादल भी हैं, हवा भी है, फिर भी मेरे ऊपर पसीना भी आ रहा है और गर्मी यहाँ टाइट है। ये चेक करो भाई मेरे KLCC का व्यू, थोड़ा मैं खुद को भी रिकॉर्ड कर लूँ यार। काफ़ी प्यारा सा पार्क है ये। इस पार्क को यहाँ का सेंट्रल पार्क भी कहा जाता है। इट इज़ लाइक जैसे न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है, तो इसका भी अगर आप ऊपर से व्यू देखेंगे तो ये कुछ उसी तरह से दिखता है। ये देखें यहाँ से ट्विन्स टावर का व्यू। ये ट्विन्स टावर जो है भाई ये ऑलमोस्ट हर जगह से दिखता है। मैक्सिस फिर है भाई, मैंने एक चाइनीज़ फैमिली से बनवाई है अपनी। जब भी आप टूर पे आओ और आपको चाइनीज़ कहीं भी दिखें तो आप उनको तस्वीरों का बोलो भाई, आप एक तस्वीर कहने को बोलोगे कि एक तस्वीर मेरी बनाओ, वो आपकी भाई 10 तस्वीरें बना देंगे। तो हमेशा तस्वीरों के लिए चाइनीज़ियों को ही कहा करो, क्योंकि वो लोग इस मामले में बड़े फ्रेंडली हैं। उल्टा वो लोग आपको एंगल्स भी बताते हैं कि इस एंगल में बनाओ, इस एंगल में बनाओ, इस तरह बनाओ। बाकी ओवरऑल जो लोग हैं भाई वो कोई इग्नोर कर देते हैं, कोई भाई फिर तस्वीरें नहीं सही ले पाते, तो ये इशू है। इन्हें बड़ा ही खूबसूरत पार्क बनाया हुआ है। यहाँ से आगे मैं जाता हूँ, आगे मुझे कुछ दिखा है देखने को, आई थिंक वो कोई स्विमिंग पूल की तरह कोई वाटर आ रहा है भाई, और लोग वहाँ नहा रहे हैं। सेंट्रल पार्क के अंदर लोग नहा रहे हैं, पार्क है और उसके अंदर लोग नहा रहे हैं, पूल सा बना हुआ है, बच्चे नहा रहे हैं। अभी हमें पता होता तो हम भी कछू पहन के आते और नहाते भाई।
ये बिल्कुल मेरे सामने भाई एक बच्चों का इन्होंने पार्क बनाया हुआ है अंदर इनसाइड, और ये भाई एक पूल सा बना हुआ है, स्विमिंग पूल सा। लोग यहाँ पे बैठ के भाई इंजॉय कर रहे हैं। ये जगह मुझे पसंद आई है, इस पार्क में सबसे अच्छी जगह यही है भाई मेरे कहने के हिसाब से। यहाँ पे हवाएं भी लग रही हैं भाई, मौसम भी है सुहाना, बारिश भी हो रही है, बस देना चाहिए क्योंकि थोड़ी पाँव को ठंडक मिल जाए, पाँव में इस टाइम थोड़ी गर्म रहती है, बहुत ज़्यादा गर्म। और ये भाई पानी में सारे इंजॉय कर रहे हैं, ये इंटरटेनमेंट है कुआलालंपुर में क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। भाई लाइट शो शुरू हो चुका है और ये मेरा जैपनीज दोस्त है वो भी हमारे साथ आ चुके हैं। ये शुरू होने वाला है फाउंटेन शो, China every day celebration. Yeah, China every day is a celebration. Yes, exactly. That's why I told everyone, no one can compete with China infrastructure and Chinese lifestyle. Every day they have light show, water fountain show. If you went to SeaWorld, look here. वाटर फाउंटेन शो भी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, इट वॉज नॉट इम्प्रेसिव। सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन, इफ यू वांट टू कम टू कुआलालंपुर सो यू मस्ट विजिट अनदर प्लेसेस। इफ यू वांट टू सी ट्विन टावर यू कैन कम ओनली टेक सम सेल्फी पिक्चर देन यू कैन गो बैक, अदरवाइज द वाटर फाउंटेन शो इज नॉट सो मच इम्प्रेसिव लाइक अदर कंट्रीज। आई विल गिव यू अ रियल रिव्यू, आई डोंट वॉन्ट टू लाई टू यू ऑल। ये भाई इनसे भी पूछ सकते हैं, इट वॉज नॉट राइट। तो ये जापानीज है, इसको भी मज़ा नहीं आया वाटर फाउंटेन शो देख के, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और इंडिया एंड आल्सो इट्स सो लाइक पीपल आर नॉट इंजॉइंग हियर सो मच। ये भी हंस रहे हैं कि भाई इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि हम ठंड वाला उधर गर्मी है भाई, 37 में टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे 37 के टेम्परेचर में आप कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। So now we are going back. The car doesn't change fast. It's only change very slowly. Yeah. Yeah, it's not amazing.
not amazing. Another video thing, don't shine with the light. Yeah. Also, building have no lights and music sound quality is not good. Yeah. They should install some other sounds on. Very high brand. Yeah. Gucci, I didn't try. Why? Yeah. Because I like Nike more. Like Nike more. Yeah. And some Chinese brands. Like this is from Chinese brand. Yeah. Yeah. Did you guys come here? Yeah, it's good. But before I go there, I use Shenzhen Airlines. It's really cheap to go away. Yeah. Yeah, so I use it. But I want to stay Shenzhen, maybe 7 weeks. 1 week. Yeah. Maybe I plan to go Shenzhen 1 week. तो भाई बस आज की वीडियो का यहीं पे दी एंड करते हैं। केएलसी का हमारा टूर पूरा हो चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई और झूठे रिव्यू मैं देना नहीं चाहता, इतना इंप्रेसिव है नहीं, इतना ज़्यादा मज़ा यहाँ आया नहीं है। जो वाटर फाउंटेन शो का हमने इतना वेट किया है भाई, उसका कोई भी इतना खास मज़ा नहीं था। बस सिर्फ यहाँ पर बैठ के आप बस लाइट देख सकते हो और बैठ के इंजॉय कर सकते हो, या अगर फूड वूड खाना हो तो खा सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी ऐसी और ख़ास चीज़ नहीं है। पिक्चरें ले सकते हो बस इना। वो जापानीज़ दोस्त भी मेरे चले गए हैं, वो बोर हो गए, वो बाइक उठा के चले गए भाई। मैंने बाइक रेंट किया नहीं था तो मैं भाई जा रहा हूँ घर की तरफ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और अगर जब भी विज़िट करने आना तो वो इन्फिनिटी पूल वाला होटल लाजमी करना, वो सबसे बेस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से भी ज़्यादा वो इम्प्रेसिव है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।